मिथुन ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की थी और अपने चार बच्चों के साथ मिथुन अपने पारिवारिक जीवन में भी एक बेहद सफल इंसान है। लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ है कि योगिता बाली से पहले मिथुन ने हेलेना ल्यूक नाम की एक महिला से शादी की थी। महज 4 महीने बाद ही मिथुन की पहली शादी का दर्दनाक अंत हो गया। 70 का दशक वो दौर था जब हेलेना बॉलीवुड में काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि उस वक्त हेलेना कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फैशन डिज़ाइनर थी। उस जमाने में भारत में फैशन वर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम थी हेलेना ल्यूक। मिथुन उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और उस जमाने में एक और खूबसूरत एक्ट्रेस सारिका संग उनका अफेयर चल रहा था। हालांकि कुछ समय बाद सारिका, जो कमल हासन की वाइफ है, उन्होंने मिथुन को छोड़ दिया था। सारिका से अलग होने के बाद मिथुन को अकेलेपन ने घेर लिया था। ऐसे में एक दिन मिथुन की मुलाकात हेलेना ल्यूक से हुई। पहली ही मुलाकात में मिथुन हेलेना की खूबसूरती पर फिदा हो गए। मिथुन हेलेना को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे थे कि हर वक्त हेलेना को खुद से शादी करने के लिए कहते रहते थे। एक इंटरव्यू में हेलेना ने बताया था कि उन दिनों मिथुन रोज उनसे मिलते थे और सारा दिन शादी की बात ही करते रहते थे। मिथुन और हेलेना की मुलाकात का सिलसिला जारी था और आखिरकार हेलेना भी मिथुन को अपना दिल दे बैठी। हेलेना मात्र 21 साल की थी जब उन्होंने साल 1979 में मिथुन से चुपचाप शादी कर ली। इस शादी की खबर किसी को नहीं लगी थी। शादी के बाद हेलेना और मिथुन साथ रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हेलेना और मिथुन के बीच गलतफहमियां भी पैदा होने लगी। मिथुन जिस घर में रहते थे वहाँ मिथुन के साथ उनके 2 कजिन भी रहा करते थे। मिथुन के कजिन्स ने 2 कुत्ते भी पाले हुए थे। मिथुन के कजिन्स मिथुन का कोई काम नहीं करते थे और मिथुन के पैसे पर ऐश कर रहे थे। हेलेना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उन्होंने मिथुन से कहा कि वो अपने कजिन्स को यहाँ से जाने के लिए बोले, लेकिन मिथुन ने इसके जवाब में हेलेना से ऐसी बात कही कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मिथुन ने हेलेना से कहा कि उनके कजिन्स कहीं नहीं जाएंगे, अगर हेलेना को दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकती है। हेलेना को मिथुन की ये बात बहुत बुरी लगी। उसी दिन के बाद से मिथुन और हेलेना के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। मिथुन के साथ रिलेशन में आने से पहले हेलेना उसी दौर के एक एक्टर जावेद खान के साथ रिलेशन में थी। हेलेना मिथुन से शादी करने के बाद उन्होंने जावेद खान से अपना हर रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन मिथुन फिर भी जावेद खान को लेकर उन्हें ताने देते थे और आरोप लगाते थे कि हेलेना अब भी जावेद से मिलती थी। जब मीडिया में मिथुन और योगिता बाली की अफेयर की खबरें छपनी लगी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मिथुन के साथ नहीं रहेगी और आखिरकार उन्होंने मिथुन से तलाक ले ही लिया। मिथुन से तलाक लेकर हेलेना ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने के बाद हेलेना का फिल्मी करियर पूरी तरह खत्म हो गया। हेलेना का फिल्मी करियर जब खत्म हो गया तो वो भारत छोड़कर अमेरिका चली गई और अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने लगी। हेलेना के बारे में ये भी कहा जाता है कि मिथुन से अलग होने के बाद वो एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान के साथ रिलेशन में आई। मिथुन ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और अपने 4 बच्चों के साथ मिथुन अपने पारिवारिक जीवन में एक बेहद सफल इंसान है।